हेलो दोस्तों, मैं राकेश और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो पे। जैसा कि आपने ऊपर टाइटल और थंबनेल पे देखा, यहां पर आपने बिल्कुल ही सही देखा। अगर आप भी यहां पर बीएसएनएल का रिटेलर बनना चाहते हो 2023 में, तो कैसे आप यहां पे बीएसएनएल का न्यू रिटेलर यहां पर बन पाओगे 2023 में, और यहां पर क्या क्या यहां पर इसका प्रोसेस है बीएसएनएल का रिटेलर बनने के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट का यहां पर रिक्वायरमेंट होता है, और यहां पर जब बीएसएनएल का रिटेलर यहां पर आप बन जाओगे तो यहां पर जो है बीएसएनएल का रिटेलर आईडी लेकर यहां पर जो है बीएसएनएल का संचार आधार एप्लीकेशन पे लॉग इन होके आप यहां पे बीएसएनएल का नया सिम चालू कर सकते हो। यहां पर बीएसएनएल में किसी भी अदर ऑपरेटर का सिम कार्ड को एमएनपी पोर्ट कर सकते हो, और यहां पर जो है आप रिचार्ज वगैरह भी कर सकते हो। ये सारा कुछ आप यहां पे यूज करके यहां पर जो है अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हो। यहां पर जो है आप महीने में लगभग यहां पर 4 से 5 हजार और 5 से भी ऊपर यहां पर जो है आप अर्निंग कर सकते हो। तो क्या कुछ यहां पर प्रोसेस है यहां पर बीएसएनएल का रिटेलर आईडी लेने के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट यहां पर रिक्वायरमेंट होता है, वो सारा कुछ मैं आपको आज की वीडियो में जानकारी बताऊंगा। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो पे बने रहना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाक से लाइक करके, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर देना, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए और आप इस तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो यहां पर रोजाना देख पाओ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि बीएसएनएल का रिटेलर आईडी लेने के लिए यहाँ पर आपको क्या क्या चीजों का जरूरत होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है बीएसएनएल का रिटेलर बनने के लिए यहाँ पर आपके पास एक बीएसएनएल का सिम होना अनिवार्य है। यहाँ पर आपके पास अगर बीएसएनएल का सिम कार्ड नहीं रहेगा तो यहाँ पर आप जो है रिटेलर आईडी यहाँ पर नहीं ले पाओगे। तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास एक बीएसएनएल का सिम होना चाहिए। अगर आपके पास पुराना सिम है बीएसएनएल का तब भी चलेगा, और अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आपको बीएसएनएल का सिम एक ले लेना है। बीएसएनएल का सिम आपको बिल्कुल ही फ्री में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा फ्री में वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर हम जान लेते हैं और क्या क्या चीजों का यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है बीएसएनएल का रिटेलर बनने के लिए। दूसरा, यहाँ पर जो चीज का जरूरत होता है वो यहाँ पर आपको एक अस्थायी शॉप होना चाहिए। आपके पास अस्थायी शॉप रहेगा तभी आपको यहाँ पर जो है बीएसएनएल का रिटेलर आईडी मिल पाएगा। तीसरा, यहाँ पर आपको जो चीज का जरूरत होता है वो यहाँ पर आपको जरूरत होता है एक बायोमेट्रिक मशीन का। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर निभाता है। यहाँ पर ये बायोमेट्रिक मशीन यहाँ पर चाहिए सिम चालू करते वक्त। यहाँ पर आपको जो है इसका जरूरत पड़ता है। जब भी आप यहाँ पे कस्टमर का थंप लगाकर अगर आप यहाँ पे सिम चालू करना चाहोगे इस तरह से, तो यहाँ पर आपको जो है एक बायोमेट्रिक मशीन आपके पास होना चाहिए। और उससे भी बढ़कर यहाँ पर जो है आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, क्योंकि स्मार्टफोन रहेगा तभी आप ये जो है ओटीजी केबल को आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे और आप बायोमेट्रिक मशीन से यहाँ पर जो है एक्टिवेशन वगैरह कर पाओगे। आप दो तरह से यहाँ पर जो है एक्टिवेशन कर सकते हो, पहले यहाँ पर डिजिटल केवाईसी के द्वारा और यहाँ पर ई केवाईसी के द्वारा दूसरा प्रोसेस है। तो यहाँ पर अगर आपके पास एक स्मार्टफोन अच्छा स्मार्टफोन रहेगा तो ज्यादा बेहतर है, ताकि यहाँ पर आपको जो है कैमरा सही से फेस डिटेक्ट कर पाएगा कस्टमर का। तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। तो आप यहाँ पर डिजिटल केवाईसी के द्वारा भी यहाँ पर जो है सिम चालू कर सकते हो, और नहीं तो आप ये बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा। तो ये होना कंपलसरी है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर जो निकल कर आता है वो यहाँ पर निकल कर आता है आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड आपको यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट में लगने वाला है। आधार कार्ड के अलावा यहाँ पर आपको एक पैन कार्ड यहाँ पर चाहिए। पैन कार्ड के साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है 2 पासपोर्ट साइज यहाँ पर फोटो चाहिए और एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पर होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आप जब बीएसएनएल का रिटेलर आईडी लेने जाओगे तो यहाँ पर आपके पास एक अल्टरनेट नंबर होना चाहिए। अल्टरनेट नंबर में यहाँ पर जो है ओटीपी वगैरह रिसीव करने के लिए यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूटर आपसे मांग सकता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपको जाकर जमा करना होगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास। तो यहाँ पर आपको नहीं पता होगा कि यहाँ पर आपका एरिया में जो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है वो किस जगह पे है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही आसान तरीका। आपको जो है अपने स्मार्टफोन पे गूगल पे चले जाना है और वहां पर आपको सर्च करना है बीएसएनएल नियरेस्ट मी करके सर्च करोगे। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको जो है एक लिंक आएगा, लिंक पे टैप करना है और आपको अपना एरिया का पिन कोड डाल देना है। जैसे ही आप डालोगे तो आपको जो है लोकेशन फाइंड होकर आ जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटर का। तो उस लोकेशन के माध्यम से यहाँ पर जो है आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर का पता कर सकते हो। और ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया वो डॉक्यूमेंट को आपको जाकर जमा कर देना है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। ही आप जमा करते हो तो यहाँ पर आपको जो है 24 घंटे से लेकर यहाँ पर आपको 7 दिनों का समय लग सकता है यहाँ पर आपको संचार आधार एप्लीकेशन का लॉग इन आईडी और लॉग इन पासवर्ड मिलने में। तो यहाँ पर आप दूसरा तरीका जान लो। यहाँ पर दूसरा तरीका जो निकल कर आता है डिस्ट्रीब्यूटर का जानकारी लेने के लिए कि आपको एरिया में कौन जगह डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है, तो यहाँ पर आपको सबसे सिंपल यहाँ पर तरीका मैं बता रहा हूँ। ये तरीका काफी ज्यादा यहाँ पर यूजफुल होने वाला है। उसके लिए यहाँ पर आपको करना क्या है कि अगल बगल आपका जो है जो भी बीएसएनएल का रिटेलर होंगे जो यहाँ पर बीएसएनएल का काम वगैरह करते हैं, तो आप उनसे डायरेक्ट यहाँ पर जाकर पूछ सकते हो कि बीएसएनएल का डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट कहाँ है। तो आप उनसे भी जानकारी लेकर यहाँ पर जो है बीएसएनएल का डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पता कर सकते हो। और ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर मैंने बताया है वो डॉक्यूमेंट को आप जमा करके अपना आईडी यहाँ पर क्रिएट करवा सकते हो बीएसएनएल का संचार आधार एप्लीकेशन का। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि कैसे यहाँ पर आपको 2023 में यहाँ पर आपको बीएसएनएल रिटेलर
यहाँ पर आपको बनना है और यहाँ पर बीएसएनएल रिटेलर बनते वक्त यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर आप ये समझ गए हो और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए वीडियो नहीं, फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।